दोस्तों, पैरों में जलन होना बहुत ही आम समस्या है और यह किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। अक्सर पैरों में जलन तंत्रिका तंत्र में किसी तरह की कमी या रोग के कारण होती है, लेकिन कभी कभी यह समस्या डायबिटीज, शराब का अधिक उपयोग करने से या फिर कुछ विषैले पदार्थों के उपयोग के कारण भी होती है। इसके अलावा शरीर में कुछ विटामिन की कमी के कारण या कीड़ों के काटने या टंक मारने से भी पैरों में जलन होती है। पैरों में जलन होने पर उनमें सूजन हो सकती है, अधिक पसीना आता है या दर्द और त्वचा में पीलापन जैसा लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पैरों में जलन के कुछ घरेलू उपायों के बारे में। सबसे पहला तरीका है दोस्तों हल्दी का। हल्दी में कुकुमिन नामक तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। इसके अलावा हल्दी के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो पैरों की जलन को दूर करने में उपयोगी है। इसके लिए आपको एक गिलास गर्म पानी में एक या दो चम्मच हल्दी मिलाकर नियमित दिन में दो बार पीने से पैर की जलन खत्म हो जाती है। हल्दी और पानी का पेस्ट बनाकर पैर में लगाने से भी जलन समाप्त हो जाती है। अगला तरीका है दोस्तों सेब के सिरके का। इसके लिए आप एक से दो चम्मच कच्चे सेब के सिरके को गर्म पानी से भरे गिलास में मिलाएं और इसको रोज दिन में एक बार अवश्य पिएं। इससे आपको जल्दी राहत मिलती है। इससे अगला तरीका है दोस्तों सेंधे नमक का प्रयोग। सेंधा नमक आपके पैरों को जलन से जल्द ही राहत देता है, क्योंकि यह मैग्नीशियम सल्फेट से बना होता है, जो कि सूजन और दर्द को कम करता है। इसके लिए आप एक टब में आधा कप सेंधा नमक डालें। अब टब में गर्म पानी डालें और इन दोनों को अच्छी तरह से मिला लें। अब पैरों को 10 से 15 मिनट के लिए इस पे भिगोकर रखें और कुछ ही दिनों के लिए प्रतिदिन इस उपाय को रोज करें। आपको बहुत ही जल्द फायदा प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये थे बहुत ही आसान से उपाय पैरों की जलन को दूर करने के। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक अवश्य कर दें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।